आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर सिंटेक्स इंग्लिश की प्रॉस से टेक्स रिफ्लेक्शंस ऑन द रीअवेकनिंग ईस्ट मशरिक की असरनो बेदारी पर गौर फिगर, जागते हुए मशरिक की असरनो बेदारी पर गौर फिगर। लिखने वाले का नाम है बर्टन रसल। अपने वक्त के ये 20th सेंचुरी के पॉलीमैथ थे, यानी नॉलेज रखते थे डिफरेंट योनराज ऑफ राइटिंग में और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के हवाले से। तो मुख्तसर हम इनके बारे में जानते हैं, इनका ताल्लुक 20th सेंचुरी से था। द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 1950 वॉज अवार्डेड टू रसल। इनको 1950 में नोबेल प्राइज मिला था इन रिकग्निशन ऑफ हिज वेरिड एंड सिग्निफिकेंट राइटिंग इन विच ही चैम्पियंस ह्यूमैनिटेरियन आइडियल्स एंड फ्रीडम ऑफ थॉट्स। तो लिटरेचर के ऊपर बेसिकली ह्यूमैनिटेरियन आइडियल्स पे, फ्रीडम ऑफ थॉट्स पे इनको अवार्ड किया गया नोबेल प्राइज 1950 में। अ प्रोफाउंड हिस्टोरियन, एक प्रोफाउंड तारीख दान थे ये। एन एडवोकेट ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी टू द वर्ल्ड इन जनरल एंड टू एशिया इन पर्टिकुलर। यानी ये एडवोकेट करते थे अमन को, खुशहाली को पूरी दुनिया में हो, इनकी ये ख्वाहिश थी। और एशिया के हवाले से खास तौर से ये उम्मीद रखते थे और इनकी राइटिंग होती थी। एन एंटी कम्युनिस्ट, और ये कम्युनिज्म के खिलाफ थे। एन ओपोनेंट ऑफ वॉर, और जंग के खिलाफ थे। बिलीवर ऑफ हेट्रोजीनियस कल्चर्स, मुख्तलिफ कल्चर्स के ये हामी थे कि डिफरेंट कल्चर्स हैं दुनिया में और हर शख्स को अपने कल्चर को, अपनी सकाफत को बचा के रखना चाहिए, उसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। रिजर्वेशंस विद इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड साइंस, कुछ तहफ़ुज़ात थे इनके इंडस्ट्रियलाइजेशन और साइंस के हवाले से। स्टॉन्च बिलीवर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ एस्थेटिसिज्म, परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड फाइन आर्ट्स इन ह्यूमन लाइफ। ये सख्त स्ट्रॉन्ग आप कह लीजिए बिलीवर थे एस्थेटिसिज्म के, यानी जमालियाती जौक के। यानी जमालियाती जौक क्या है? आर्ट है, फाइन आर्ट है ह्यूमन लाइफ के हवाले से। पेंटिंग है, पोइट्री है, म्यूजिक है, आर्ट है, लिटरेचर है, ये सब जमालियाती जौक इसके हामी थे, इसके बिलीवर थे। एन ऑप्टिमिस्ट इन एन अनसर्टेन एंड होस्टाइल वर्ल्ड, और पुर उम्मीद थे अनसर्टेन और होस्टाइल वर्ल्ड के, जहाँ पे हर कोई जंग के लिए तैयार हो, हर मुल्क एक दूसरे मुल्क का दुश्मन हो, वहाँ ये उम्मीद रखते थे कि दुनिया एक वक्त आएगा कि अमन का गहवारा बनेगी। अकॉर्डिंग टू रसल, अब हम शुरू करते हैं रिफ्लेक्शन ऑन द रीअवेकनिंग ईस्ट मशरिक के असर और बेदारी पे गौर फिक्र। ये जो ऐसे इन्होंने लिखा है किस बारे में? अकॉर्डिंग टू रसल, पावर हैज नेवर स्टेड परमानेंटली इन द वर्ल्ड। दुनिया में कभी भी पावर जो है वो किसी एक जगह पे स्टे नहीं किया उसने, किसी एक मुल्क में परमानेंटली नहीं रहा। हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव में अगर आप देखें तो 2000 साल की इसकी हिस्ट्री है। यानी 2000 साल पहले अरस्तु, अफलातून, सुकरात, बुकरात और सिकंदर आजम, तो पावर उनके हाथ में था। और फिर उसके बाद अगर आप देखें तारीख में तो 17th सेंचुरी जो मोहम्मदन एज है, 7th सेंचुरी तारिक बिन ज़ियाद का जो दौर है, तो उसमें अगर आप देखें स्पेन जो था वो उसमें आर्ट भी था, लिटरेचर भी था और प्रोग्रेस भी थी, डेवलपमेंट भी थी। बाकी अकॉर्डिंग टू बर्टन रसल पूरा यूरोप जो था, वेस्ट जो था, वो सन्क इन बार्बरिज्म, वो बार्बरिज्म में डूबा हुआ था। और एक किस्म की डार्क एजेस कहिए, यानी एक तारीकियों में डूबा हुआ था पूरा यूरोप सिवाय मोहम्मदन एज के। फिर वो चाइनीज की भी मिसाल देते हैं, टंग डायनेस्टी, चिंग डायनेस्टी, मिंग डायनेस्टी, वो भी एक दौर था, उनकी भी एक हुकूमत थी, एक डायनेस्टी थी। उसके बाद जो पावर है वो वेस्ट की तरफ चला गया। तो हम आगे बढ़ते हैं, इनिशियली एट द बिगनिंग द ईस्ट एंड द ईस्टर्न नेशंस हैड मोर पावर देन द वेस्ट। तो इब्तदाई तौर पर अगर आप देखें तो ईस्ट के पास वेस्ट से ज़्यादा पावर था, बट ग्रेजुअली द पावर स्लिप आउट ऑफ द हैंड ऑफ द ईस्टर्न नेशंस, और फिर ईस्टर्न नेशंस के हाथ से पावर निकल गया एंड वेंट इन टू द हैंड्स ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज, और फिर वेस्टर्न कंट्रीज के हाथों में चला गया। यानी 19th और 20th सेंचुरी देखें, 16th सेंचुरी से जो बरतानिया की जो हुकूमत है वो आधी दुनिया पे थी तकरीबन। उसके बाद फिर पहली जंग अजीम हुई, फिर दूसरी जंग अजीम हुई, इन्होंने अपने आप को भी कमजोर कर लिया। द वेस्ट बिकेम ऑल पावरफुल एंड द ईस्ट लॉस्ट इट्स पावर।
तो वेस्ट पावरफुल हो चुका था 16 सेंचुरी के बाद और ईस्ट ने अपनी पावर खो दी थी. दिस चैप्टर हैज बीन रिटन इन द ईयर 1954, सो रसल इज टॉकिंग अबाउट द कंडीशन ऑफ ईयर 1954. तो ये 1954 में लिखा गया, तो ये रसल बर्टन रसल बात कर रहे हैं 1954 की सिचुएशन की, यानी पोस्ट वॉर की, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो हुकूमतें थी, आप ये कह लें कि फिर कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म की भी जंग चलने लगी थी, रशिया की और अमेरिका की कोल्ड वॉर चलने लगी थी, तो ये खिलाफ थे कम्युनिज्म के. तो व्हेन रसल इज टॉकिंग अबाउट द कंडीशंस ऑफ द 1954, व्हेन रसल रोट दिस एसे 1954, ही थॉट दैट पावर वॉज वंस अगेन पासिंग आउट फ्रॉम द हैंड्स ऑफ द वेस्ट एंड द ईस्ट वॉज बिगनिंग टू रीअवेकन. तो रसल ने ये देखा कि पावर दोबारा स्लिप होने लगा 1954 के बाद, वेस्ट के हाथों से उनकी कॉलोनीज, ब्रिटिश कॉलोनीज, फ्रेंच कॉलोनीज, अमेरिकन कॉलोनीज, ये खत्म होने लगी और मशरिक जागने लगा, आजाद होने लगे मशरिक के लोग. एंड टू गेन पावर देयर फॉर व्हाट वी हैव लर्नड सो फार इज दैट पावर चेंजेस फ्रॉम हैंड टू हैंड, कि पावर जो है वो हैंड टू हैंड चेंज होता है, एक जगह नहीं रहता मुसलसल, एक कंट्री में नहीं रहता, वो अपनी जगह बदलता रहता है. रसल एक्सप्रेसिंग हिज थॉट्स एंड हिज ओपिनियंस एज टू व्हाट द ईस्टर्न नेशंस शुड डू ऑन दियर रीअवेकनिंग, ये अपनी थॉट्स, अपनी ओपिनियन देते हैं कि अपनी रीअवेकनिंग के हवाले से, बेदारी के हवाले से ईस्ट को क्या करना चाहिए. रसल इज ऑफरिंग एडवाइस टू द ईस्टर्न रीअवेकनिंग, ये नसीहत करते हैं ईस्टर्न अवेकनिंग को. इनकी नसीहतें क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे. नेशंस एज टू व्हाट शुड दे डू इन ऑर्डर टू प्रॉस्पर एंड बी सक्सेसफुल, कौमों को क्या करना चाहिए खुशहाली के लिए और अपनी कामयाबी के लिए, किस तरह से अपनी वो आज़ादी बरकरार रख सकते हैं, किस तरह वो कामयाब हो सकते हैं, किस तरह खुशहाल हो सकते हैं, और उन्हें वेस्ट की गलतियों से भी सीखना चाहिए, वो गलतियां ना करें जो वेस्ट ने की. तो उनकी एडवाइसेस को हम आगे पढ़ते हैं. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, रसल एडवाइजेस द ईस्टर्न अवेकनिंग नेशन नॉट टू अडॉप्ट कम्युनिज्म बिकॉज रसल डिस्क्राइब्स कम्युनिज्म एज अ पॉइजन. तो पहली जो एग्जांपल वो देते हैं और जो नसीहत है वो ये कहते हैं कि ईस्ट को, यानी एशिया को, एशिया में मुख्तलिफ कौमें आबाद हैं, दैट ऑफ हिंदू, दैट ऑफ मुस्लिम, दैट ऑफ चाइना, ये तीन बड़ी बड़ी तहजीबें हैं, सकाफतें हैं. तो वो ये कहते हैं कि सबको अपनी अपनी तहजीबें जिंदा रखनी चाहिए, कॉस्मोपोलिटन नहीं हो सकते कि सारे के सारे एक नेशन हो जाए, एक ही कल्चर हो. तो सबको अपनी अपनी सकाफत को जिंदा रखना चाहिए, अपने मज़हब को, अपने कल्चर को, और कम्युनिज्म को अडॉप्ट नहीं करना चाहिए. कम्युनिज्म एक किस्म का पॉइजन है बर्टन रसल के मुताबिक. द नेक्स्ट एडवाइस दैट ही गेव देम इज टू अडॉप्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, के दूसरी एडवाइस उनकी ये है कि ईस्ट को जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को अडॉप्ट करना चाहिए एंड मैकेनाइजेशन को, और मशीनरी को लाना चाहिए. बिकॉज अकॉर्डिंग टू रसल एनी कंट्री दैट डजंट एक्सेप्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन विल लैग बिहाइंड. रसल के मुताबिक अगर कोई भी कंट्री इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैकेनाइजेशन को अडॉप्ट नहीं करती तो वो लैग बिहाइंड, पीछे रह जाती है, और जो कंट्रीज इन चीज़ों में आगे होती है उनको अपना गुलाम बना लेती है. He advises the eastern countries to stay away from war. और eastern countries को, एशिया को, वो ये भी कहते हैं कि वेस्ट की गलतियों से सीखो. पहली जंग अजीम, दूसरी जंग अजीम में लाखों इंसान मरे, कितनी तबाही हुई, उन्होंने जो गलतियाँ की उन गलतियों से सीखें और जंग से दूर रहें. To struggle for peace, और कोशिश करें अमन के लिए. The next advice is not to follow the west blindly. अगली एडवाइस ये कही कि वेस्ट को ब्लाइंडली फॉलो ना करें, उनकी अच्छी चीज़ें अडॉप्ट कर लें, बुरी चीज़ों को छोड़ दें. बट टू टेक फ्रॉम द वेस्ट व्हाट इज़ गुड एंड टू लीव व्हाट इज़ बैड, यानी जो अच्छी चीज़ें वो आप अडॉप्ट करें, जो बुरी चीज़ें वेस्ट से उसे आप तर्क कर दें. आफ्टर दैट रसल गोज ऑन टू डिक्लेयर दैट एशिया हैज़ सम एक्सीलेंट एंड मेजर सिविलाइजेशन. जैसा मैंने आपको बताया कि फिर वो बाद में ये डिक्लेयर करते हैं, ये बताते हैं रसल के एशिया की कुछ एक्सीलेंट सिविलाइजेशन से तहदीब है. जैसे मैंने आपको बताया कि हिंदुइज्म है, इस्लाम है, और चाइना है, कम्युनिज्म है, डिफरेंट उनकी सिविलाइजेशन है. दीज सिविलाइजेशन शुड नेवर बी मिक्स्ड,
विद ईच अदर। ये तमाम सिविलाइजेशन को मिक्स नहीं होना चाहिए आपस में, कि कोई सिविलाइजेशन जिंदा ना रहे, कोई वजूद ना रहे बाकी। फर्दर मोर अनदर एक्सीलेंट एडवाइस दैट रसल गिव वाज दैट इट इज डेफिनेटली अग्रीड दैट वी कांट प्रोग्रेस विदाउट मैकेनाइजेशन, yet the fact remains that side by side with mechanization we should not forget poetry, arts, friendship, character building, all these come side by side। ab wo ye kehte hain ki jis tarah hum mechanization se nahi bach sakte, tarakki ke liye, progress ke liye zaruri industrialization, mechanization, isi tarah se zindagi mein poetry hai, art hai, friendship hai, character building hai और मॉरल लेसन है, एजुकेशन है, रिलीजन है, ये तमाम चीज़ें ज़रूरी है जो हमारी तहजीब को ज़िंदा रखती हैं, हमारे करेक्टर बिल्डिंग को ज़िंदा रखती हैं। इंसानियत के जो लेसन हैं उसके बगैर ज़िंदगी नामुकम्मल है। एस्थेटिसिज्म है, जमालियाती ज़ौक है, पेंटिंग है, पोइट्री है, म्यूज़िक, आर्ट, लिटरेचर, ये तमाम चीज़ें भी इतनी ज़रूरी हैं जितना कि मैकेनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन और साइंस है। तो हमें इन चीज़ों के बगैर भी, क्योंकि इनको जो बर्टन रसल है, इन्हें 1950 में नोबेल प्राइज लिटरेचर में मिला था ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, तो वो लिखते थे इंसानियत के लिए। तो वो ये कहते हैं कि एस्थेटिसिज्म भी ज़रूरी है, जमालियाती दौक भी ज़रूरी है, और हमें अपने अपने कल्चर को प्रिजर्व करना चाहिए, उसके मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। साइंस से आप एक ट्रैक्टर बना सकते हैं, आप ट्रैक्टर चला सकते हैं, आप मेडिसिन से आप इलाज, मेडिसिन पढ़ के इलाज मुआलजा कर सकते हैं लोगों का, लेकिन एक अच्छे इंसान आपको सिर्फ आपका मजहब बना सकता, आपका कल्चर बना सकता, आपकी पोइट्री है, आपका आर्ट है, आपका लिटरेचर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस की तरह। ऑल दिस कम साइड बाय साइड, ये तमाम चीजें साइड बाय साइड है, एक दूसरे के साथ है। वी मस्ट सी इट दैट ऑन वन हैंड वी प्रोग्रेस इन साइंस एंड ऑन द अदर हैंड वी बिल्ड आवर मॉरल वैल्यूज। तो एक साइड पे हम साइंस में प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमें अपने अपना किरदार बनाना चाहिए एक अच्छे इंसान का, और हमें जो है अमन का दाई होना चाहिए, ना कि जंग का। हमें मसलों को सुलझाना चाहिए, हमें जंग की तरफ नहीं जाना चाहिए, जंग सिवाय तबाही के कुछ नहीं लाती दुनिया। लास्ट बट नॉट लीस्ट रसल कंक्लूड्स विद द ऑप्टिमिस्टिक थॉट दैट द ईस्टर्न एंड एशियन नेशंस शैल कंट्रीब्यूट टू द बेटरमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ द वर्ल्ड and will not imitate the mistakes of the west। आखिर में वो ये उम्मीद करते हैं मशरिक से, एशिया से, एशियन कंट्रीज और नेशन से, कि वो अपना हिस्सा प्रोग्रेस और डिवेलपमेंट के लिए, अपने मुल्क के तरक्की के लिए काम करें, आगे बढ़ें साइंस, लिटरेचर, आर्ट में, हर चीज़ में, और वो गलतियां ना करें जो गलतियां वेस्ट ने की थी और अपने आप को बर्बाद किया, अपने आप को कमज़ोर कर लिया। Thank you for watching.